बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ हमें ये बताने का मौका मिल रहा है आपको कि जल्द ही सास बहू और साजिश और आपके इस खूबसूरत रिश्ते को 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सास बहू और साजिश की खास पहल 15 साल 30 सवाल। जी हाँ, आज हम इशारों ही इशारों के हीरो यानी मुदित के साथ आइए ये खेल खेलें। गुड मॉर्निंग मुदित। गुड मॉर्निंग। सो क्या आप तैयार हैं हमारे 30 सवालों के लिए? बिल्कुल, लेट्स गो फॉर इट। इशारों इशारों में कुछ कहें अपने ऑडियंस से। सुबह उठ के सबसे पहला थॉट क्या था आज? आज ये था कि कल रात को कॉल टाइम चेंज हुआ है तो और जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा, और आपका भी मैसेज आया हुआ था तो डबल थॉट के साथ उठा। मुदित का मतलब हैप्पीनेस। कितने साल से काम कर रहे हो आप इंडस्ट्री में? आई थिंक मेरे को 9 या 10 साल हो गए। और ओवरऑल अगर लाइफ में कोई काम की शुरुआत की तो कब की है? पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मैंने पापा को ज्वाइन कर लिया था बिजनेस में, तो ऑल इन ऑल 13-14 साल। अब तक कितने शोज किए हैं? दिस इज माई 5th डेली शो। किरदारों के नाम? तन्मय बोस, जीत सलूजा, विभोर पौदार, वरदान चौधरी एंड योगेश श्रीवास्तव। एक्टिंग के अलावा क्या कर सकते हैं मुदित? मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बहुत ही टैलेंटलेस आदमी हूँ। थोड़ी बहुत एक्टिंग डे बाय डे बेटर होती है, उसी पे आई वर्क ऑन इट। आपके इस घर में ऐसा क्या है जिसको पाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है? मेरी वाइफ, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी बिकॉज शी वॉजेंट इंटरेस्टेड, उसको मैं पसंद नहीं था बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी कन्विंसिंग लगी। आपकी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, आपकी शादी हो चुकी है जी। सो वो एक प्राइवेट अफेयर था, वाई? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में हुआ सब। दिसंबर में हमारी फैमिलीज मिली और फरवरी में शादी कर ली, तो बहुत एक्चुअली प्राइवेट भी नहीं था, बट यस इट वाज जस्ट फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स। आपका हिडन टैलेंट? आई प्ले पियानो वेरी वेल। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते मुदित? आई कुड हैव, आई ऑब्वियसली पापा के साथ बिजनेस में होता, और अगर आई वाज अ गुड स्पोर्ट्समैन तो प्रॉब्ली क्रिकेट वगैरह में कुछ ना कुछ कर लेता थोड़ा बहुत। कि दिन में सबसे ज़्यादा कौन सा इशारा है जो आप यूज़ करते हो लोगों को बुलाने या फिर कुछ भी करने के लिए? हमारे जो स्पॉट्स हैं सेट पे, किसी का नाम अमित है, अजय है, तो अमित अजय ब्लैक कॉफी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? इलाहाबाद। गॉड पे कितना भरोसा है आपको, कितना बिलीव करते हो आप? किस पे? भगवान पे। अभी आपके आने से पहले ही पूजा करिए तो कुछ तो फेथ है उस तरह। किस चीज़ से डर लगता है? डर लूजिंग क्लोज वंस, इससे काफ़ी डर लगता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली, बट उस दौरान मैं सब छोड़ छाड़ के हीरो बनने चला आया। इंट्रोड्यूस करा दीजिए इन्हें। शी इज़ माई ब्यूटिफुल वाइफ अपराजिता। ये मेरे पापा हैं मम्मा, ये मेरा छोटा भाई सिद्धार्थ, ये मेरी वाइफ के पापा हैं और ये उनकी मम्मी है। शादी का लड्डू खाने के बाद पछता रहे हो या खुश हो आप? आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। आइए। हाय। सो ये सुबह सुबह आज संडे का दिन है और ये दोनों देवर भाभी का पबजी सेशन चल रहा है, सो एज यू कैन सी। आपको पाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है तो क्यों ऐसा? आपके स्पीड डायल पे किसका नंबर है? मम्मी पापा सिद्धू अपराजिता। आपके वॉलेट में फिलहाल अभी कितना कैश है? मेरा वॉलेट मेरी कार में है क्योंकि उसमें डीएल लाइसेंस वगैरह रहता है तो कार में ही रहता है, वैसे कैश होगा 730 रुपये। टाइम के कितने पंक्चुअल है आप? बहुत ज़्यादा, मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी 5 मिनट लेट नहीं हुआ, 5 मिनट जल्दी, 10 मिनट जल्दी ही पहुँचता हूँ, और ये एक बीमारी बन चुकी है जिससे मैं बचना चाहता हूँ।
मुंबई की सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? एवरीथिंग, स्पिरिट, लोग, मुंबई का एक अपनापन है, जो एक वाइब है मुंबई की, जो आई डोंट नो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर एक बहुत ही प्यारी सी वाइब है जो आप कहीं भी जाएं ये आपको यहाँ की याद दिलाती है। कॉम्प्लीमेंट जो आपने हाल ही में रिसीव किया हो? लास्ट फ्राइडे को मेरे प्रोड्यूसर का मेरे को एक मैसेज आया था, ही वॉज प्रॉब्ली वॉचिंग अ सीन, तो सीन देख के उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि काफ़ी अच्छा काम है और जो लेयरिंग है कैरेक्टर्स की, आई एम पिकिंग इट वेल, तो उनका मैसेज काफ़ी अच्छा मैसेज आया था एक्चुअली, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट था वो। ओके, उसे घर में रख के मतलब अपने आप को क्या मतलब महसूस कराना, मतलब स्पा वाली फीलिंग देना चाहते हैं या फिर क्या, क्यों लाया गया है इस चेयर को? देखिए, लाया तो इसीलिए गया था कि कुछ मसाज वगैरह हो जाएगी, पर सच बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ कपड़े जो गीले होके आते हैं वो सुखाने के काम आते हैं, यहाँ रखे जाते हैं, यहाँ रखे जाते हैं, तो ये कपड़े सुखाने की जगह है। 17 साल के मुदित को क्या कहेंगे? 17 साल के मुदित को कुछ नहीं यार, आई मीन जो हुआ है अपने टाइम लेके हुआ है, जो लाइफ में लेसन सीखे हैं धक्के खा के सीखे हैं, जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ भी बहुत ज़रूरी रही हैं, तो जैसे कर रहे हो लाइफ में, जैसे आगे बढ़ रहे हो, जस्ट कीप डूइंग दैट। आपके डैड ने आपको जो एडवाइस दी? मेरे डैड की एक्चुअली 2-3 करोड़ एडवाइस है मेरे पास, तो जब भी दे रहे होते हैं उस टाइम बहुत इरीटेटिंग लगती है, कितना सुना रहे हैं, लेकिन जब मैं लाइफ में आगे देखता हूँ और उनको अप्लाई करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सही बोलते हैं। तो अभी उनकी लास्ट एडवाइस ये थी कि मेरी आदत है मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर होने लगता हूँ, तो मेरा ये जो इशारों में शो देखते हैं तो कह रहे हैं अच्छा कर रहे हो और इस बार पूरी मेहनत से करना, एंड तक चाहे कुछ भी हो जाए अपना पूरा 100% देते रहना। आपके बैग में, शूट बैग में क्या वो 3 चीज़ें होती है जो ज़रूरी है आपके लिए? हेयर ब्रश, मेकअप का सामान, हेयर ड्रायर। अभी आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है? क्या मैं यहाँ से उठ जाऊँ? अजीब सी पोजीशन में तो नहीं लग रहा, तो यही सोच रहा हूँ मैं। आपके वार्डरोब में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यू नो भरी पड़ी है, स्टफ्ड है? मेरे पास कपड़े हैं डिसेंट अमाउंट में, लेकिन मैं पहनता वही 4 टी-शर्ट 2 जीन्स है, वही रिपीट करता रहता हूँ, तो मेरे दोस्तों को लगता होगा कि शायद कपड़े नहीं हैं, बट वार्डरोब में सबसे ज़्यादा मेरे पास टी शर्ट्स हैं, प्लेन राउंड टी शर्ट्स। आपके फ़ोन का वॉलपेपर क्या है? मेरे फ़ोन का वॉलपेपर एक्चुअली बहुत ही हिट अमेरिकन सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, तो उसका जो विलन है उसका फेस है, उसकी एक एनिमेटेड पिक्चर। आखिरी सवाल, आपके दिमाग में, जहन में अभी कौन सा गाना चल रहा है? कोई गाना नहीं चल रहा। ओके, तब तक आपके फ़ोन में लास्ट पिक्चर जो आपने ली हो वो क्या है, वो दिखा दीजिए हमें। कल मैं जहाँ शूट कर रहा था वहाँ पे हमारे जो कैमरा पर्सन, उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग करी थी, तो वो एक जस्ट एक उसकी एक पिक्चर थी जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने वही ली थी। जाते जाते कोई कोट या कोई शायरी या फिर कोई गाने का यू नो दो स्टैंजा सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे? जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं शो में, किरण करमरकर जी, वो आरडी बर्मन साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, तो जो फ्री टाइम होता है उसमें वो उनके गाने सुनाने लगते हैं, तो अभी 3-4 दिन पहले वो मुझे थोड़ा सा हटके गुलजार साहब की एक 2 लाइनें सुना रहे थे, वो मेरे को बहुत तेज़ हिट करी, तो इफ़ यू वुड लाइक आई वुड जस्ट रिपीट दैट। दिन यूं गुजारता है कोई जैसे किसी का एहसान उतारता है कोई, दिन यूं गुजारता है कोई जैसे किसी का एहसान उतारता है कोई, आईना देखता हूं तो तसल्ली हो जाती है, इस घर में मुझे जानता है कोई। थैंक यू सो मच मुदित। थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय। बाय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।